Good morning, viewers. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today I am going to tell you something about central problems of an economy. This is for class 11th. Now, before discussing this topic, there are few economic terms. First of all, wo aapko clear hona chahiye. Then you will be able to understand this concept. The first basic term is meaning of an economy. Hum economy kise kehte hain? You can say economy is a place, it can be a system that tells us about the, that reveals us about the engagement of the people in economic activities, ke what they are doing, what is their source of livelihood, how they earn living. To kis occupation mein wo kaam karte hain, kis tarah se wo earn karte hain, us economic activity mein unke involvement ke jis system hai, usko hum economy kehte hain. और आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. लाइक नंबर वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर आप देखते हैं पूरा प्राइवेट कंट्रोल होता है. मींस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज एंड गवर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जिसका मॉडिफाइड नेम है मार्केट इकोनॉमी. सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ क्या होता है, वेयर यू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट. एंड यू नो इन इंडिया, इन आवर इकोनॉमी, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम वी फॉलोज, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. और मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या खासियत है, क्या करेक्टरिस्टिक है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. मीन्स सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज एंड गवर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड सम बाय गवर्नमेंट, जहाँ दोनों मोटिव सर्व किए जाते हैं. प्राइवेट सेक्टर क्या मोटिव सर्व कर रहा है? प्रॉफिट अर्निंग. वो जो भी काम कर रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए. वेयर एज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, वेलफेयर टू द सोसाइटी. तो इसीलिए हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे काम हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट कर रहा है. ठीक है, तो दोनों को हम बैलेंस लेकर चलते हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म सेंट्रल प्रॉब्लम्स. There is one more term which I want to explain, that is scarcity. What does it mean? Scarcity means shortage, deficiency, but it's not that easy to say. We have to compare two things, demand and supply. कि किसी चीज़ की demand कितनी है और उसकी supply कितनी है. तो scarcity कब कहलाती है किसी चीज़ की? When its demand is more than supply. आप देख सकते हैं, most of the things which you buy from the market are having more demand than supply. That's why they command price. इसीलिए हम उनको कहते हैं scarce. But most of the things which are given to us by the nature, like air to breathe, sunlight, ये हमें free of cost मिल रही है. Why? Because its supply is much higher than its demand. Water की हम कह सकते हैं कुछ हद तक scarcity है, but what water? Drinking water. कि जहाँ वाटर टेबल बहुत डाउन हो गया, कई जगहों पर ख़रीदना पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ उनकी स्केयरसिटी. और जहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है, वी आर नॉट पेइंग फॉर इट. इट मीन्स जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, वी से देयर इज़ स्केयरसिटी. नाउ वी विल सी व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक देश में पाई जाती है. दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है. लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर स्पेसिफिक. एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाई ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वॉट आर दे? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, प्रॉब्लम ऑफ नेसेसिटी ऑफ चॉइस. कि सपोज आई एम अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर मुझे देखना है कि मैं क्या बनाऊँ, किस में मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ. एज ए कंज्यूमर मुझे देखना है कि जो भी मैं इनकम अर्न करता हूँ वो लिमिटेड है, मैं उससे कैसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. गवर्नमेंट को देखना है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्स उसके पास हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज कर ले. दैट्स वाई दिस इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन से कि यस, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर फाउंड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. द फर्स्ट मेन कॉज इज स्केयरसिटी ऑफ द रिसोर्सेस. यू नो देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हैविंग अबंडेंट रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज. हो सकता है कुछ चीज़ें उनके पास ज़्यादा हों, कुछ चीज़ें कम हैं. जैसे हम इंडिया को ले लें, तो हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, सस्ती है, चीपर है, लेकिन और चीज़ें कम हैं. मशीनरी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है. इन डेवलप कंट्रीज़ अगर हम देखें, वहाँ मैन पावर की कमी है, वहाँ और दूसरे रिसोर्स ज़्यादा हैं. इट मीन्स देर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ हैविंग
all the resources abundant. So one or other resources is scarce. The second main cause is human wants are unlimited, endless. Unlimited in the sense ki hamari jo desires hain uska koi end nahi hota. हमारी एक डिज़ायर पूरी हो जाती है, दूसरी पैदा हो जाती है. कहीं कोई सेचुरेशन नहीं है, कहीं कोई संतुष्टि नहीं है. हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं. नेसेसिटी पूरी हो गई तो अब कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट पूरा हो गया तो लग्जरी चाहिए. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. सपोज़ कीजिए एक आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैदल चलता है. वो एक साइकिल की डिज़ायर करता है कि मुझे साइकिल मिल जाए तो मेरे लिए चलना आसान हो जाए. जब उसके पास साइकिल आ जाती है, अब उसके पास डिज़ायर होती है कि मुझे बाइक या स्कूटी मिल जाए तो और बढ़िया है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, एनर्जी बच जाएगी. उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है कि मुझे और कंफर्ट चाहिए, मैं कार अगर ले लूँ तो धूप छांव सबसे आराम हो जाएगा, बारिश से बचूंगा. तो यहाँ हमारी डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है. हो सकता है आगे हम ये सोचें कि हमें हेलीकॉप्टर मिल जाए, एरोप्लेन मिल जाए. तो इसका मतलब हमारी डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है. इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है और हम बहुत सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, कहीं ग्रीडी रहते हैं हम. देन कम्स द थर्ड कॉज, दैट इज़ अल्टरनेट यूज़. अल्टरनेट यूज़ का क्या मतलब है कि शायद हम काफ़ी हद तक बहुत सारी नीड्स को पूरा कर लेते अगर चीज़ों को अल्टरनेट यूज़ ना होता. मींस मल्टीपल यूजेस ऑफ अ थिंग. जैसे पानी को ले लें, अगर हम वाटर तो हम पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है. तो बहुत जगहों पर मल्टीपल यूज़. इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, डोमेस्टिक यूज़ है, घरों में यूज़ हो रहा है. डे बाई डे अप्लाइंसेज बढ़ते जा रहे हैं, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है. एग्रीकल्चर में चाहिए टू रन ट्यूबवेल, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में चाहिए टू रन मशीन, ट्रांसपोर्ट में चाहिए टू रन रेलवे. तो इट मींस ईच एंड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैविंग अल्टरनेटिव यूज़. इस वजह से उनकी और ज़्यादा स्केर्सिटी हो जाती है. सो दीज आर द थ्री मेन कॉजेज विच यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यू विल फाइंड दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. Now we are going to discuss the kinds of economic problem. The first main kind of economic problem is what to produce. Every time a producer has to think about what he is going to produce. Because there is competition in the market. कि जो भी चीज़ वो बना रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा quantity में बन जाए और producers को loss हो. Like I am giving you one example of farmer. कि उसके पास एक piece of land है. He has to decide which crop he is going to grow. Whether wheat, rice or sugar cane. कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग वही चीज़ बना दें और उसको लॉस हो जाए. तो ही हैज़ टू यूज़ हिज माइंड विच क्रॉप इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस. जैसे कई बार होता है कि सारे किसानों ने पोटैटो प्रोडक्शन कर दिया और इतना ज़्यादा पोटैटो बन गया कि एक एक दो दो रुपये बिक कर गया और उनका उसमें लॉस हुआ. सो दैट्स वाई इट इज़ सपोज टू बी अ प्रॉब्लम कि एवरी टाइम अ प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड कि क्या उसे बनाना है और कितनी क्वान्टिटी में बनाना है जिससे कि वो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. इसमें एक चीज़ का वो ध्यान रखता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड इन द मार्केट, कि डिमांड कितनी है, किस चीज़ की, किन चीज़ों के लिए डिमांड मार्केट में बढ़ रही है. वो कोशिश करता है कि मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बनाऊं. दैट्स व्हाई इट इज़ सपोज टू बी अ प्रॉब्लम. नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ वंस ही हैज़ डिसाइडेड कि मुझे क्या बनाना है, अब उसे तय करना है कि विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ टू यूज़. यू नो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, वेयर वी हैव टू यूज़ मोर क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड लेस क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. अब ये किन के लिए सूटेबल है, ये उन देशों के लिए, उन जगहों पर सूटेबल है वेयर वी हैव मोर मैन पावर. जैसे इंडिया को अगर हम ले लें तो हमारे यहाँ मैन पावर ज़्यादा है, सस्ती है और मशीन्स टेक्नोलॉजी हमारे लिए कॉस्टली है. तो हम कोशिश क्या करेंगे, यू वुड लाइक टू यूज़ मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन द प्रोडक्शन. बट अगेन ये भी कहीं लिमिटेशन बन जाता है. जैसे अगर हम एग्रीकल्चरल फार्म, बहुत बड़ा फार्म है हमारा, तो फिर वहाँ पर हम लेबर बेस्ड नहीं हो सकते, हमें वहाँ पर भी ट्रैक्टर्स मशीनरी का यूज़ करना पड़ता है. बट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन यूज़, दे कैन यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. सेम वे इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हम लेबर इंटेंसिव हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं. बट अगेन प्रॉब्लम इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री वेयर वी हैव टू प्रोड्यूस इन बल्क, ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी बनाना है, वहाँ लेबर इंटेंसिव नहीं चल सकता, वहाँ कैपिटल इंटेंसिव है. अनदर थिंग, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है, वेयर वी विल यूज़ मोर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल मशीन्स टेक्नोलॉजी, लेस क्वांटिटी ऑफ लेबर.
अब ये किन के लिए सूटेबल हो गई? डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, वेयर वी नो कि जहाँ पर मैन पावर कम है, महंगी है, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगाएं, क्योंकि उनके पास पैसा है, मशीनरी है, बट लेबर कम है, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और कॉस्ट कम से कम आए। तो एक कंट्री में दोनों टेक्निक का मिक्सचर भी हो सकता है कि कहीं लेबर इंटेंसिव यूज़ हो रही है, कहीं कैपिटल इंटेंसिव यूज़ हो रही है। तो सूटेबिलिटी देखता है हर कंट्री, हर प्रोड्यूसर सूटेबिलिटी देखेगा कि किस टेक्निक को यूज़ करके उसकी कॉस्ट कम से कम आ सकती है। तो मेन एम होता है उसका प्रॉफिट और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। सो आइदर ऑफ द टू टेक्निक ही इज़ गोइंग टू सिलेक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम बना किसके लिए रहें? क्या उस देश में रहने वाले लोग ज़्यादा रिच हैं या पुअर हैं? अगर हम इंडिया को ले लें तो हमारे पास मासेज आर पुअर, 22% के करीब पॉवर्टी है। दैट मीन्स हमें नेसेसिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस नेसेसिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज को लग्जरीज के बनाने में लगाएं। बट द सिचुएशन मे बी डिफरेंट इन डेवलप कंट्रीज। वहाँ पर हो सकता है कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा है, पुअर सेक्शन कम है, तो दे विल फोकस मोर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज। बट दिस वुड बी अ कॉमन एजेंडा, नेसेसिटीज़ विल ऑलवेज बी प्रीफर्ड ओवर लग्जरीज, क्योंकि उन डेवलप कंट्रीज़ में भी नेसेसिटीज़ का प्रोविज़न ज़रूरी है। हाँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, वहाँ पहले हम नेसेसिटीज़ पर फोकस करेंगे। इसका मतलब प्रोड्यूसर सबसे पहले उन चीज़ों को, या गवर्नमेंट कोशिश करेगी उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस कराए जो कि नेसेसिटीज़ हैं, जो वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं। बाद में जो रिसोर्स बचे वो उनको फिर लग्जरीज के प्रोडक्शन में लगाए। सो वी कैन कंक्लूड नेसेसिटीज़ विल बी प्रीफर्ड ओवर लग्जरीज। थैंक यू।